हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैक्स किचन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आज मैं शेजवान फ्राइड राइस बनाऊंगी। ये राइस झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें बचे हुए चावल से भी बना सकती हैं। ये राइस खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए शेजवान फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करें। तेल के गरम होने पर उसमें लहसुन और अदरक डालकर सौटे करें। हरी मिर्ची भी डाल दें। लहसुन और अदरक थोड़ा भुन गया है, अब इसमें प्याज डाल के इसको भी ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। अब इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालकर भी सॉटे करेंगे। सबसे पहले कैप्सिकम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 रंग की कैप्सिकम ली है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ग्रीन कलर की भी कैप्सिकम यूज कर सकते हैं। कैरेट डालेंगे। कॉर्न डालकर मिक्स करेंगे। इनको हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। हमें इनको बहुत पकाना नहीं है, इनको क्रंची ही रखना है। वेजिटेबल जो सॉटे हो गई हैं, गैस को सिंपर करके इसमें सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले सोया सॉस डालेंगे। शेजवान सॉस, ब्लैक पेपर और नमक डाल के मिक्स करेंगे। अब इसमें राइस डालकर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारी सॉसेस राइस में मिक्स हो जाएं। विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें स्प्रिंग अनियन डालकर इसको भी मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर देंगे। शेजवान फ्राइड राइस बन गए हैं। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।